जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। शुक्लां वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते। मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आप सबका स्वागत करता हूँ। आप सबको जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मेरा जो प्रोग्राम चल रहा है यह है कि कुंडली के जो भाव होते हैं उन भावों में ग्रह जो बैठते हैं उन ग्रहों का क्या प्रभाव होता है। पीछे मैंने आपको लगन भाव में जो ग्रह बैठते हैं उसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी। उसके बाद मैंने आपको जो धन भाव में ग्रह बैठते हैं उसके बारे में जानकारी दी। उसके बाद मैंने आपको सहज भाव में जो ग्रह बैठे हैं कौन कौन से ग्रह बैठते हैं उसके बारे में जानकारी दी। अब जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, ये जो चतुर्थ भाव होता है जिसको हम सुख भाव कहते हैं, माता का भाव कहते हैं, वाहन का भाव है, जमीन जायदाद का भाव होता है, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि इस भाव के अंदर अगर सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु ये अगर ग्रह बैठते हैं तो ये क्या परिणाम देंगे। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। लाइक या डिसलाइक कुछ भी करें आपको करना ज़रूर है। डिसलाइक करेंगे और हमें उसका कारण भी बताएं तो अगले वीडियो में हम उसका निराकरण कर सकें, निवारण कर सकें उसका, जो आपका कारण होगा, जो हमारी कमी होगी। मित्रों, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये जो सुख भाव होता है, चतुर्थ भाव होता है सुख भाव। सुख भाव में अगर हम ये सूर्यदेव हैं हमारे, अगर सूर्यदेव बैठेंगे तो ये क्या हमें जातक को देते हैं। विविध जन बिहारी बंद सस्तौ दिनेशो भवती च मृद चेता कीर्त बाध्यान रक्त है समर शेरस युद्धे नास्ति बढ़ गए कदाचित प्रचुर धन कलत्री पार्थिवाना प्रयश्य। चतुर्थ भाव में अगर सूर्य होता है तो सब प्रकार के लोगों में से मिलने वाला होता है, जातक कोमल हृदय होता है, संगीतज्ञ होता है, रण में विजयी, धन और स्त्री सुख सहित सदा राजा का प्रिय होता है। ये तो होता है सूर्य का प्रभाव। कुछ विद्वान सूर्य के बारे में और भी बताते हैं कि अगर सूर्य चतुर्थ भाव में होता है तो उसका क्या फल होता है। बुद्धिमान, अधिकारी, संतान, पहला लड़का, संतान में देर होती है, औलाद का सुख पूर्ण होता है, क्रोधी, अच्छी बुद्धि, यदि शनि तीन तीसरे भाव में शनि हो तो संतान से दुखी, विवाह एक से अधिक, यदि गुरुवल गुरु निर्बल हो तो विवाह एक से अधिक मनाता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सूर्य अगर चतुर्थ भाव में होता है तो एक्चुअली चतुर्थ भाव हमारे हृदय का कारक है कि हम इसे अपने हृदय को देखते हैं तो यहाँ पे ये हार्ट अटैक की बीमारी भी जरूर देता है, हार्ट अटैक की यहाँ शिकायत जरूर होती है। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा खुद इस भाव का कारक है, वो कारक अगर कारक भाव में बैठे तो आप समझ सकते हैं वो कितना बढ़िया परिणाम देगा। फिर भी आपको मैं चंद्रमा के बारे में बताता हूँ। वाहन सुख, धनाढ्य, माता का भाग्य उत्तम, बुजुर्गों के कामों से लाभ देगा, पैतृक संपत्ति, माता पिता को तारने वाला और दुर्घटना का फिर भी इसको थोड़ा डर लगा रहता है। चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में बैठता है तो कुछ विद्वान इसके बारे में ये भी कहते हैं, बहुतर बशुपूर्णो रविनाथे चतुर्थे प्रियजन हितकारी योषिताम प्रीतकारी सततम सरयो रोगी माश मत्स्याद भोगी गज तुरण समेत क्रीडंते हर्म पृष्ठे। चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो बहुत धनों से युक्त, अपने परिवारिक जनों का हित करने वाला, स्त्रियों को प्रसन्न करने वाला, सर्वदा रोग से युक्त, मत्स्य मांस का भोगी, हाथी घोड़ा आदि सवारी रखने वाला और प्रसाद बड़े भवन अच्छे भवन में रहने वाला हो जातक होता है। अब आपको बताता हूँ कि अगर मंगल चतुर्थ भाव में होता है तो मंगल का प्रभाव क्या होता है। मंगल का प्रभाव ये होता है, जड़मती रति दीनो बंधु संस्ते च भूमे न भवती कुल मार्ये बंधु दैन्य न दुखी, भ्रमती सकल देशे नीच सेवानुरक्त है
परवश परियोषित लुब्ध चित्त सदैव। चतुर्थ भाव में मंगल होता है तो बुद्धिहीन दीन नीच कुलोत्पन्न बंधुओं से रहित विदेशों में घूमने वाला नीच का सेवक दूसरों के अधीन और परस्त्री से प्रेम करने वाला होता है। ये प्रभाव तब होता है जब मंगल यहाँ नीच का बन के बैठता है। जो मैं आपको बताया ये प्रभाव कब होता है, जब मंगल यहाँ नीच का बन के बैठता है। अगर मंगल अपना स्वग्रही बैठा है या उच्च का बन के बैठा है तो प्रभाव इसके विपरीत होता है, मतलब अच्छा प्रभाव देता है। मंगल के बारे में कुछ दूसरे विद्वानों ने भी कहा है कि मांगलिक योग हम बनाता है, मंगल या चतुर्थ भाव में मांगलिक योग बनाता है, पहली बात। दूसरी बात, माँ नानी सास स्त्री पर जो है भारी रहता है, मकान पर पेड़ की छाया रहती है, दूसरों पर लक्ष्य झाड़ने वाला होता है, प्लाट जमीन वाहन माता को कष्ट कृषि कार्यों से लाभ, घर से दूर रहता है, घर में आग लगने घटना होती रहती है, ये फायर सर्विस वगैरह में ये लोग काम कर सकता है ऐसा जो जातक है वो। और अगर स्वग्रही और उच्च का बैठा होगा तो परिणाम इसके विपरीत होगा, मतलब परिणाम इसको बहुत अच्छा देगा। बात करते हैं अब बुध देव की कि बुध अगर चतुर्थ भाव में होगा तो क्या करेगा जातक के लिए। बुध चतुर्थ भाव में होता है तो भाग्यशाली बनाता है, क्योंकि बुध खुद भी चतुर्थ भाव का कारक है। यहाँ पे जो कारक है वो दो है, एक चंद्रमा कारक है और इसका एक बुध कारक होता है और इसका शुक्र भी एक कारक बनता है। आपको बताता हूँ, शुक्र कारक होता है वाहन का, बुध कारक होता है वाणी का और व्यापार का, और चंद्रमा कारक होता है माता का, जमीन का जायदाद का। तो बुध अगर यहाँ बैठता है चौथे भाव में तो भाग्यशाली बनाता है, सवारी का सुख देता है, उदार दानी विद्वान लेखक यात्रा के बिना मतलब हल हो जाते हैं उसके, और धन दौलत उसके पास अच्छी होती है। माता के लिए बुराई रहता है, माता के लिए बढ़िया नहीं होता है वो, क्योंकि चंद्रमा और बुध आपस में मित्र नहीं है, ये दोनों संस्कृति हैं, तो इसलिए ये जो है यहाँ अगर बुध बैठेगा तो यहाँ माता को सुख नहीं मिल पाता है। सरकारी अधिकारी बनाता है, बहुत छानबीन की आदत होती है ऐसे आदमी की और संवेदनशील होता है, मानसिक स्थिरता रहती है उसकी, आत्महत्या तक नौबत आ जाती है, उसका दिमाग में इतना हलचल रहती है उसकी आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है। कुछ विद्वान इसके बारे में क्या कहते हैं, अब ये जो गुरु बुध जो स्वग्रही बैठे उच्च का बैठे तो परिणाम ठीक होता है, और नीच का बैठे तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बहुतर धन पूर्ण भाद्रताज पापे बहुतर बहु पत्नी पूर्ण गेहे सुतुंगी तरल मतेर लज्ज क्षीण जड़ गये कुशांग है शिशु वयस च रोगो बंध सस्ते कुमारे। चतुर्थ भाव में अगर नीच का या पापी बुध होता है तो बहुत धनों से युक्त होता है, बंधुहीन होता है। यदि अपने उच्च या गृह में हो तो बहुत स्त्री वाला चंचल बुद्धि निर्लज कृष जांग वाला दुर्बल देह और बाल्यावस्था में रोगी होता है। तो ये बुध का परिणाम है, अगर नीच होगा तो परिणाम ठीक नहीं, और स्वग्रही और उच्च का बैठा तो परिणाम बहुत अच्छा दिखाएगा। बात करते हैं गुरु महाराज की, गुरु महाराज अगर चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो क्या करेंगे। चतुर्थ भाव में जो हमारे राशि बनती है वो कर्क राशि बनती है, तो वहाँ पे ये गुरु महाराज उच्च के बनते हैं तो वहाँ ये परिणाम अच्छा ही देते हैं। फिर भी आपको मैं कुछ विद्वानों की राय बताता हूँ कि विद्वान इसके बारे में क्या क्या कहते हैं। सम्मान नाना धन वाहना दे सज्जात हर्ष पुरुष सदैव नृपानुकंपा समुपात सम पद दम्भोल भ्रन्न मंत्रणे भूतलश्य। चतुर्थ भाव में बृहस्पति हो तो लोक में मान्य होता है। आपको बताया ना मैंने, ये जो गुरु उसमें उच्चका बनता है या स्वग्रही बनता है या इनमें से कुछ भी नहीं बनता है तो भी चतुर्थ भाव में गुरु बहुत बढ़िया होता है, लोक में मान्य होता है, धन अच्छा होता है, वाहन होते हैं और हर संपन्न होता है, हर तरीके से संपन्न होता है, सदा प्रसन्न रहने वाला होता है, राजा के अनुग्रह से धन लाभ करने वाला होता है और हीरा और जवाहरात का व्यापार करने वाला होता है, या हीरा जवाहरात उसके पास होते हैं ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। सवारी इसको पूर्ण होती है, वाहन सुख होता है, विद्वान होता है, उत्तम विद्या होती है, घर में सब सुख होता है, आराम का सब सामान होता है, अधिकारी होता है, शिक्षा विभाग अधिकारी होता है, माँ से बहुत प्यार करने वाला होता है, मान सम्मान वाला, लाटरी वजीफा बाग बगीचे तथा सोना धन इसके पास सब कुछ होता है। यह कुदृष्टि पड़े, कुदृष्टि मतलब नीच राशि हो तो क्या होता है, कुदृष्टि पड़े तो सब उल्टा हो जाता है। ये गुरु बृहस्पति का यहाँ कमाल है कि अगर उल्टा पड़े नीच राशि में हो तो सब उल्टा पुल्टा
हो जाता है। अब आपको बात करते हैं शुक्र देव की कि शुक्र देव अगर चतुर्थ भाव में हो तो वो क्या करते हैं। मोटर कारों का स्वामी, घर में कोई ना कोई वाहन अवश्य होता है, घर में सब सुख साधन होते हैं, मकान बढ़िया होता है, दानी होता है, दूसरों की सहायता करने वाला होता है, दो विवाह योग बनाता है या किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाता है, बहु सास का बिगाड़ होता है, औलाद में विघ्न होता है, स्त्री का जो स्वास्थ्य है वो खराब रहता है। कुछ ज्ञानी जो है इस शुक्र के बारे में ऐसे भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, भवती बंदुगते भृगुजय नरो बहु कलत सुते न समाव्रत सुरमते सुषमाढ़वरे ग्रहे बसन पान बेला सरसमाव्रत। चतुर्थ भाव में शुक्र हो तो बहुत स्त्री और संतान से युक्त होता है, अतिशय शोभा से युक्त होता है, सुंदर भवन में रहने वाला होता है और अन्न पान वस्त्र आदि के विलासों से संपन्न होता है। ये शुक्र का प्रभाव होता है। और शुक्र अगर नीच का बैठता है यहाँ तो ये बढ़िया होता है, क्योंकि नीच का राशि इसकी कन्या राशि में नीच का बनता है, ये तो कन्या राशि चतुर्थ भाव में होती है तो वो राशि भी ठीक होती है। इसका मतलब शुक्र यहाँ आपको नुकसान नहीं करेगा। तो इसके बाद बात करते हैं हम शनिदेव की कि शनिदेव अगर आपके चतुर्थ भाव में होंगे तो क्या करेंगे। चतुर्थ भाव में अगर शनि होते हैं तो बंधु सुतौ भानु सुतौ नाराणाम करोत बंधो निधनम चरोगी स्त्री पुत्र भृत्ये न बिना कृतस्य ग्रामांतरे चार सुखदेश बकरी। चतुर्थ भाव में शनि हो तो बंधु स्त्री पुत्र नौकरों से ही एवं रोगी होता है। यदि शनि बकरी हो तो दूसरे गांव में जाकर दुखी होता है। यदि शनि शुग्रही हो या उच्चका हो तो परिणाम इसके विपरीत तो होता है। कुछ विद्वान इसके बारे में और भी कुछ कहते हैं, वो कहते हैं पैतृक संपत्ति से इसको लाभ नहीं मिलता, कृषि उत्पादन घटता जाता है, पराई स्त्री से प्रेम संबंध होता है, डॉक्टर बनता है, उदास रहता है, माँ दुखी रहती है, क्रोधी होता है, पैतृक घर छोड़कर कहीं बाहर जाके रहना पड़ता है, पैतृक घर पुराना हो जाता है, छोड़ना पड़ता है, दरारें पड़ जाती हैं और 35वें वर्ष जब इसका उम्र होती है तो उसमें जो है इसको कुछ इसके जीवन में परिवर्तन होता है। चौथे भाव में शनि ठीक नहीं होता है। बात करते हैं राहु की कि राहु अगर चतुर्थ भाव में बैठा है तो राहु क्या करेगा। पैतृक संपत्ति कम अथवा संपत्ति से लाभ कम, राहु का पहला परिणाम आ गया जी कि या तो पैतृक संपत्ति कम देगा अथवा संपत्ति से लाभ कम देगा, बुद्धिमान बनाएगा, उच्च शिक्षा में गड़बड़ करेगा, माता इसकी दुखी रहेगी, असंतुष्ट रहेगी और घर का सुख इसको कम रहेगा। और कुछ विद्वान इसके बारे में क्या कहते हैं, राहु चतुर्थे धनुबंधहीनो ग्राम एक देशे बसत प्रकष्ट है नीच नीचानुरक्त है पिशुनश्च पापी पुत्र एक भागी कृषि हो सिद्धार्थ। चतुर्थ भाव में राहु होता है तो धन और बंधुओं से हीन होता है, गांव के एक बगल में बसने वाला होता है, नीच जनों का साथी होता है, चुगलखोर होता है, पापी होता है, एक पुत्र वाला और दुर्वृत्ति वाला होता है। अगर ये राहु किसी स्वग्रही ग्रह के साथ बैठ जाता है तो जो ग्रह जिस टाइप का है, जिस तरीके का वो ग्रह है, उसका जो ग्रह का व्यवहार, जो आचार विचार है, राहु उसी आचार विचार वाला हो जाता है। अब आपको बात करते हैं केतु महाराज की कि केतु देव अगर चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो ये महाराज क्या करेंगे। चतुर्थे च मातु सुखम नो कदाचित शुहर शुहद गर्त पैतृक नाश मेति सुखी बंधु वर्गा तो सुखम सोच गे चिरम नो बसेत स्वग्रह व्यग्रता चेत। चतुर्थ भाव में केतु होता है उसे माता और मित्रों से सुख नहीं होता, पैतृक धन का नाश होता है। यदि अपने गृह या उच्च में केतु हो तो बंधु वर्गों से सुख होता है तथा अधिक समय व्यग्रता से युक्त होकर घर से बाहर रहता है। कुछ विद्वानों का मत और भी है इसके बारे में, वो कहते हैं आलसी होगा चौथे भाव में केतु होगा तो माता दुखी रहेगी, जन्म के समय माता को कष्ट होता है, इसका स्वास्थ्य खींड रहता है, इसको शुगर का रोग होता है, संतान से इसको विघ्न होता है और माता के घर से
इसकी यात्रा होती है, मतलब माता के पास नहीं रहता है, माता के घर से इसको बाहर रहना पड़ता है। तो ये जो है यहाँ पे केतु का प्रभाव आपके सामने है। मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे आप अपनी राय जरूर दें। आप लाइक करें डिसलाइक करें कोई बात नहीं, आप करें ज़रूर। और मेरा जो चैनल है इसको मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक डिसलाइक ज़रूर करें। मित्रों मेरे को वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें। मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।